श्लोके दुर्गा शिवोवाच देवी तं भक्तसुलभे सर्वकार्यविधायने कलो विकार्य सिद्ध्यर्थम् उपायं ब्रूहि यत्नतः देव्योवाच शृणो देव प्रवक्ष्यामि कलो सर्वेष साधनम् मया तवेव सेनाप्यम्बासते प्रकाशते ॐ अस्य श्री दुर्गा सप्तश्लोके स्तोत्रमन्त्रस्य नारायण ऋषि अनुष्टुप छन्दः श्रीमहाकाली महालक्ष्मी महासरस्वत्यो देवता श्री दुर्गा नित्यसं सप्तश्लोके दुर्गापाठे विनियोगः मोहाय महामाया प्रयच्छति दुर्गे स्मृता श्रीतमे जयन्तो स्वस्ते स्मृता मतिमये मशमां ददाति दारिद्र्यदुःखवैहारिणिका स्वधन्या सर्वापकारकरणाय सदा प्रसृजिता सर्वमङ्गलमङ्गले शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणि नमस्तुते शरणागतदीनाथ परित्राणपरायणे सर्वस्याति हरे देवे नारायणि नमस्तुते सर्वस्वरूपे सर्वेश सर्वशक्ते समन्विते भयवस्त्राहिनो देवे दुर्गे देवे नमस्तुते रोगान शेषा नमः दृष्टा दृष्टादुकामान् सकलानभीषान् त्वामाश्रितानां न विपन्नराणां त्वामाश्रिताया श्रयतां प्रयान्ति सर्वाबाधा प्रशमनां त्रैलोक्यस्य अखिलेश्वरि एवमेव त्वया कार्यम् अस्मद्भैरिविनाशनम् ॐ श्रीदुर्गायै नमः श्रीदुर्गाष्टोत्तरशतनामस्तोत्रम् ईश्वरवाच शतनाम प्रवक्ष्यामि शृणुष्व कमलाननये यस्य प्रसादमात्रेण दुर्गा प्रीता भवेत्सति ॐ सरिताति भव प्रीता भवानी भवमाचनी आर्या दुर्गा जया चाद्या त्रिनेत्रा शूलधारिणी पिनाकधारिणी चित्रा चण्डघण्टा महातपा मनोमुद्दिरहङ्कारा चित्तरूपा चिताचितिः सर्वमन्त्रमयि सप्ता सत्यानन्दस्वरूपिणि अनन्ता भवनि भव्या 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 सदा गतिः शाम्भवी देव माता च चिन्ता रत्ना प्रिया सदा सर्वविद्या दक्षगण्या दक्षयज्ञा विनाशिनि अपर्णानेकवर्णा च पाटला पाटलापति पट्टाम्बरपरिधाना कलमञ्जीररञ्जने यमे अविक्रमाक्रोरा सुन्दरे सुरसुन्दरे भरदुर्गा च मातङ्गे मतङ्गमुनिपूजिता ब्राह्मी माहेश्वरी चन्द्रे कौमारी वैष्णवी तथा चामुण्डा देव वाराहि लक्ष्मी च पुरशाकृते विमलोचकशरणि ज्ञानक्रिया नित्या च बुद्धिदा बहुला बहुलप्रेम सर्ववाहनवाहन निशुम्बशुम्बहरणि महिषासुरमर्दणि मधुकैटवहन्ति च चण्डमण्डविनाशनि सर्वासुर्विनाशा च सर्वदानवघातनि सर्वशास्त्रमयि सत्या सर्वाग्रधारणि तथा
अनेकशस्त्रहस्ताच अनेकास्त्रस्य धारिणी कुमारी चैक कन्या च केशवी युपदीयतिः अप्रौढा चैव प्रौढा च वृद्धमाता बलप्रदा महोदरी मुक्तकेशी घोररूपा महाबला अग्निज्वालारौद्रमुखी कालरात्रि तपस्विनी नारायणी भद्रकाली विष्णुमाया जलाधरी शिवदूतीकराली च अनन्ता परमेश्वरी कात्यायनी च सावित्री प्रत्यक्षा ब्रह्मवादिनी या इदम् प्रवडे नित्यम् दुर्गा नाम शताशकम् नासाध्यम् विद्यते देवी त्रिषु लोकेषु पार्वती धनम् धान्यम् सुतम् जायम् हयम् हस्तिमेव च चतुर्वर्गम् तथा चान्ते लभेन्मुक्तिम् च शाश्वतीम् कुमारीम् पूजयित्वा तु ध्यात्वा देवीम् सुरेश्वरीम् पूजयत्वया भक्त्या पठे नाम शताशिवम् हस्तसिद्धिर्भवे देवी सर्वैः सुरवरैरपि राजानो दासताम् जान्ति राज्यक्षेममाप्नुया घोरोचनालक्तकुङ्कुमेण सिन्दूरकर्पूरमधुत्रेण दीलक्षयन्त्रा विधिना विधिज्ञो भवे तथा धार्यते पुराणि भौमावाचानि सामग्रे चन्द्रे शतभिषाम् गते विलख्या प्रवणे स्तोत्र सावे सम्वदाम्बर इस समय इस पवित्र गुफा में वैष्णो माता जी की प्रातःकालीन आरती षोडशोपचार द्वारा पंचामृत से विधिवत वैदिक रीति से हो रही है। आप श्रद्धालु भक्तजन विद्वानों के मुखारविंद से श्री दुर्गा सप्तशती जी के पौराणिक पाठ का श्रवण विश्व के कल्याण के लिए कर रहे। विश्व के कल्याण में ही हम सभी का कल्याण भी निहित है। इस समय केवल हम भक्त ही नहीं सभी देवता भी स्वर्ग लोक से उतरकर माता जी की इस दिव्य आरती का आनंद प्राप्त करने के लिए अपना सूक्ष्म रूप धारण करके इस पवित्र गुफा में पधारते हैं। सभी से निवेदन है कि वे श्रद्धा पूर्वक एकाग्रचित होकर माता जी के चरणों में ध्यान करते हुए इस दिव्य पाठ का श्रवण एवं स्वयं पाठ करें। अथ देव्याः कवचम् ॐ अर्चे दण्डे वाचस्य ब्रह्मा ऋषे अनुष्कव छन्दः चामुण्डा देवता अङ्गन्यासोत्तमातरो बीज देवान्तदेवता सत्त्वम् श्रीचरणम् वापेत्यथ सप्तशरीपाणागत्वेन जपे विनियोगः ॐ नमः चण्डिकायै मार्दण्डवाच ॐ यद्भूयम् परमम् लोके सर्वरक्षाकरम् नृणाम् दण्डकस्य चिदाख्यातम् ब्रह्मे लोहे पितामहः ब्रह्मवाच अस्ति गुयतमम् विप्र सर्वभूतोपकारकम् देव्यासो कवचम् पुण्यम् दशमश्व महामुने प्रथमम् शैलपुत्रे च द्वितीयम् ब्रह्मचारणे तृतीयम् चन्द्रखण्डेति कुर्माण्डेति चतुर्थकम् पञ्चमम् छन्दमादेति षष्ठम् कात्यायणीति च सप्तमम् कालरात्रेति महागौरेति चाशमम् नवमम् सिद्धिदात्रे च नवदुर्गः प्रकीर्तिता उक्ताणि तानि नामानि ब्रह्मदेव महात्मना अनिनाधयमाणस्तु शत्रुमध्ये गदोरणे विषमे दुर्गमे जैव भयातः शरणम् गता नातेषाम् जायते किञ्चित् अशुभम् रणसङ्गते नावदन्तश्च पश्यामि शोकदुःखमयम् नहि येषु भक्त्या श्रुताणूनाम् तेषाम् वृत्ते प्रजायते ये त्वाम् सरन्ति देवेषि रक्षसे प्राणसंशयः
वेद संस्थातु च मुण्डा वाराहि महिषासना इन्द्रियगतमारूढा वैष्णवी गरुडासना माहेश्वरी वृषारूढा कौमारी शिववाहना लक्ष्मी पद्मासना देवी पद्महस्ता हरिप्रिया श्वेतरूपधरा देवी ईश्वरी वृषवाहना ब्राह्मी हंसमारूढा सर्वाभरणभूषिता इत्येतमादरा सर्वः सर्वयोगसमन्विता नानावर्णशोभाया नानारत्नवशोभिता द्विशब्दरसमारूढा दिव्याक्रोधसमाकुला शङ्खं चक्रं गदां शक्तिं हलं च मुदलायुधम् केरकं धूमरं चैव परशुं पाशमेव च कुन्तायुधं रजोलं च शारङ्गमायुधमुत्तमम् दैत्यानां देहनाशाय भक्तानामभयाय च धारयन्तायुधानेतं देवानां चेताय मे नमस्ते तो महारौद्र महाघोर पराक्रमे महाबल महोत्साह महाभय विनाशने त्राहि मां देव दुर्लक्ष शत्रूणां वर्धने राजा रक्ष मामेन्द्रे अग्नेयामग्निदेवता दक्षिणे मधुवाराहि नैत्यां करधारणे प्रतिचां वारुणे रक्ष वायव्या मृगवाहिणे उदेचां पादकौमारे ऐशान्यां शूलधारणे ओदं ब्रह्माणि मे रक्ष अदत्ता वैष्णवे तदा एवं दशदिशो रक्ष चामुण्डा शवाहना जया मे जागृता पातु विजया पातु मेष्टतः अजिता वाम पार्श्वेतो दक्षिणे चापराजिता शिखामुद्योतने रक्ष उमामूर्ध्ने व्यवस्थिता मालाधरी ललाटे च भ्रुवो रक्ष यशस्वने त्रिनेत्रा च भ्रुवोर्मध्ये जमघण्टा जनासिके चङ्कने चक्षुषोर्मध्ये ज्योतिर्द्वारवासने कपोलोकालिका रक्ष कर्णमूले दुशाङ्करे नासिकायां सुगन्धा च उत्तरोष जजाचिका अजर चामृकला जिह्वायां च सरस्वती दन्ता रक्ष कौमारे कण्ठदेश दुचण्डिका घण्टिकां चित्रघण्टा च महामाया च तालुके कामाक्षे शुकुं रक्ष वाचं मे सर्वमङ्गला ग्रीवायां भद्रकाले च पृष्ठवंश धनोदरे हेलग्रीवावहि कण्ठ नलिकां नलगोबरे स्कन्द्यो खड्गणे रक्ष बाहु मे वज्रधारणे हस्यो दण्डने रक्ष अम्बिका चाङ्गुलेषु च नगाशूलेश्वरि रक्ष कुक्षौ रक्ष कुलेश्वरि स्वनौ रक्ष महादेवि मनाशोकविनाशने हृदय ललिता देवि उदरे शूलधारणे कामो च कामणि रक्ष गुह्यं गुह्येश्वरि तथा भूतना कामिका मेढं कुले महिषवाहिनि कर्यां भगवती रक्ष जानुहि विन्ध्यवासने जङ्गे महाबला रक्ष सर्वकामप्रदायिनि उल्पयोरारसिंहे च पादवृषदुदेयसे पादाङ्गुलेषु श्रीरक्ष पादादत्तवासने नगादशाकराले च केशां एव द्वगेषणे रोमकोपेषु कौबेरे त्वजं भागेश्वरे तदा रक्तमज्जावसामासाड्यसि वेदांसि पार्वते अन्त्राणि कालरात्रिश्च पित्तं च मुकुटेश्वरे कदमापदे पदं कोशे कभे चोरामणे सदा ज्वालामुखे नखज्वालामभेद्या सर्वसन्दश शुक्रं ब्रह्माणि मे रक्ष छायां छत्रेश्वरे तथा अहङ्कारं मनोबुद्धिं रक्षन्मे धर्मधारणे प्राणापाणौ तथा व्याणम् उदाणं च समानकं वज्रहस्ता च मे रक्ष प्राणं कल्याणशोभना
रसे रूपे च गंधे च शब्दे स्पर्शे च जोगणे सत्त्वमयस्तमस्येव रक्ष नारायणे सदा आयो रक्षत वाराहे धर्मं रक्षत वैष्णवे यथा कीर्तिं च लक्ष्मीं च धनं विद्यां च चक्रणे गोत्रमिन्द्राणि मे रक्ष पशुर्मे रक्ष चण्डिके पुत्रां रक्ष महालक्ष्मी भार्यां रक्षत भैरवे अर्थानां सर्वदा रक्ष मार्गं केमकरे तथा राजद्वारे महालक्ष्मीर्विजया सर्वतः स्थिता रक्षायेनां त्वयासानां वर्जितं कवचनतो सर्वं रक्ष मे देवे जयन्ति पापनाशने पदमेकं न गच्छेतु जलिच्छे शुभमात्मनः कवचेनावृतो नित्यं यत्र यत्रैव गच्छति तत्र तत्रार्थलाभ च विजयासर्वकामिकः यं यं चिन्तयते कामं तं तं प्राप्नोति निश्चितं परमेश्वरमतुलं प्राप्स्यते भूतले पुमान् निर्भयो जायते मर्त्यः सङ्ग्रामेषु पराजितः ते लोके तु भवेत् पूज्यः कवचेनावृतः पुमान् इदं तु देव्याः कवचं देवानामपि दुर्लभम् व्यापरे प्रयतो नित्यं त्रिशान्त्यं श्रद्धान्वितः देवी कला भवेतस्य त्रैलोकेषु पराजितः जीवे दोषदं साग्रम् अवमृत्यो विभर्जितः दशं दिव्यादया सर्वे दूता विस्फोटकादयः स्थावरं जङ्गमं चैव कृत्रिमं चापि यद्विषम् अभिचाराणि सर्वाणि मन्त्रयन्त्राणि भूतले गोचरः केचरा चैव जलजाचोपदेशिका स्वजा गुरुजा माला डाकिणेशा गणे तथा अन्तरिक्षचरा घोरा डाकिन्यश्च महाबला ग्रहभूतविशाजा च यक्षगन्धर्वराक्षसा ब्रह्मराक्षसवेतालः कुष्माणाभैरवादयः नश्यन्ति दर्शनादस्य कवचे हृदि संस्थिते मानो न देववैराग्य तेजो वृद्धे करं परम् यशुदा वर्धते सोमे कीर्तिमण्डितभूतले जपे सप्तशतीं चण्डीं कृत्वा तु कवचं पुरा यावद् भूमण्डलं दत्त सजलवरकारणम् तावदेष्यति मे देव्यां सन्तते पुत्रपौत्रके देहान्ते परमन्तानां यसुरेरपि दुर्लभम् प्राप्नोति पुरुषो नित्यं महामाया प्रसादतः लभते परमरूपं शिवेणादमोदते ॐ अथार्गलास्तोत्रम् अस्य श्री अर्गलास्तोत्रमन्त्रस्य विषारिषे अनष्टवछन्दः श्रीमहालक्ष्मीर्देवता श्रीजगदम्बा पीतये स्वस्तशनिपाठाङ्गत्वेन जपे विनियोगः ॐ नमश्चण्डिकायै मार्कण्डेवाच ॐ जयन्ति मङ्गलाकाली भद्रकाले कपालने दुर्गा क्षमा शिवा धात्रे स्वाहा सदा नमोऽस्तुते जय त्वं देवि चामुण्डे जय भूतातिहारणे जय सर्वगते देवि कालरात्रे नमोऽस्तुते मधुकैटमभिद्रावे विधात्रे वरदे नमः रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि महिषासुरनिर्नाशे भक्तानां सुखदे नमः रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि रक्तबीजावदे देवे चण्डमण्डविनाशने रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि शुम्भस्य धूम्राक्षसजमर्दने रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि वन्दिताङ्ग्रे जुहे देवि सर्वसौभाग्यदायिनि
रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दशा जयि अचिन्त्यरो भजरित सर्वशत्रो विनाशने रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जयि नतेभ्यः सर्वदा भक्त्या रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जयि स्तुवद्भवति पूर्वं त्वं चण्डिके व्याधिनाशने रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जयि चण्डिके सततं जयत्वम् अर्चयन्तेह भक्तितः रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जयि देहि सौभाग्यमारोग्यं देहि मे परमं सुखं रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जयि विदेहि विशतां नाशं विदेहि बलमच्युके रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जयि विदेहि देवे कल्याणं विदेहि परमाश्रयं रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जयि सुरासुरशिरो रत्न निकृष्ट चरण्यम्बिके रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जयि विद्यावन्तं यशस्वन्तं लक्ष्मीवन्तं जनं कुरु रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जयि प्रचण्डदर्पण चण्डिके प्रदाय मे रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जयि चतुर्भुज चतुर्वक्त्र संसुदे परमेश्वरि रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जयि कृष्णे देवे शश्वभक्त्या सदाम्बिके रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जयि हिमाचल सुतानाथ संसुदे परमेश्वरि रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जयि इन्द्राणी पद सर्वाप पूजते परमेश्वरि रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जयि देवी प्रचण्ड दोरण्ड दैत्यदर्पाभिनाशनि रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जयि देवी भक्तनादावादर्कानन्दोदयाम्बिके रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जयि कर्णे मनोरमां जयि मनोवृत्तानुदारिणि तारिणीं दुर्गसंसार सागरस्य कुलोद्भवाम् इदं स्तोत्रं पठित्वा तु महास्तोत्रं पठे नरः श्वातु सप्तशति सङ्ख्या परमा प्रोदितं पदा ओ अथ कीलकम् ॐ अत्याशे कीलकमन्त्रस्य शिवऋषिः अनक्षवसङ्गः श्रीमा सरस्वती देवता श्रीजगदम्बा प्रीत्यथ सप्तशतीपाठाङ्गत्वेन जपे विनियोगः ॐ नमः चण्डिकायै मार्कण्डेय उवाच ॐ विशुद्धज्ञानदेहाय त्रिवेदी दिव्यचक्षुषे श्रेयाप्राप्तिनिमित्ताय नमः सोमाधारिणे सर्वमेधाद्रियाणीयामन्त्रनामविकीलकम् स्वाभिक्षेमवाप्नोति सततं जाप्यतत्परः श्रद्धन्तुचारणादीने वस्तो हे सकलान्यपि एतेन सुमतां देवे स्तोत्रमात्रेण सिद्ध्यति नामन्दोनौषधं तत्र न किञ्चिदविद्यते विना चापेन सिद्ध्येत सर्वमुच्चारणादिकं समग्राणमि सिद्ध्यन्ति लोकशङ्कामिमामः कृत्वा निमन्त्रयामास सर्वमेवाभिधं शुभम् स्तोत्रं मे चण्डिकायास तच्चगोत्वं जगारसः समाधेन च पुण्यस्य तां यथा वह्नियन्त्रणाम् सोऽपि क्षेममवाप्नोति सर्वमेवं न संशया कृष्णायां वा चतुर्दश्याम् अष्टम्यां वा समाहितः
ददाधिपतिजन्नाथे नान्यदेशा प्रसीदति इत्थं रूपेण कीलेन महादेवेन कीलितम् ज्योतिष्क्रियामृदायेन नित्यं ज्योते संस्फुटम् स सिद्धः सगणः सोमे गन्धर्वो जायते नः न चैव प्रतस्तस्य भयं वापि जायते नापमेत्यवशं याते मृत मोक्षमवाप्नुयात् ज्ञात्वा प्रारभ्य कुर्वेत न कुर्वा न विनश्यति तदा ज्ञातेव सम्पन्नम् इदं प्रारभ्यते बुधे सौभाग्यादिजगत्किञ्च दृश्यते गगनायने सर्वं तत्प्रसादेन तेन जाप्यमिदं शुभम् क्षणे सौ जाप्यमानेऽस्मिन् सूत्रे सम्पत्तिरुच्यकैः भवत्येव समग्रामि तदा प्रारभ्यमेव तत् ऐश्वर्यं यत्प्रसादेन सौभाग्यारोग्यसम्पदः शत्रुहानि परो मोक्षः श्रूयते सानकिञ्चने श्रद्धालु भक्तजन अभी तक श्री वेद्यास द्वारा विरचित मार्कंडेय प्राण से उद्धृत श्री दुर्गा सप्तशती जी के पौराणिक पाठ का श्रवण विश्व के कल्याण के लिए कर रहे थे। अभी स्तोत्र पाठ होगा। स्तोत्र पाठ से भक्तों के घरों में सर्वदा रिद्धि सिद्धि बन जाती है। विशेषतया आपके रोगों शत्रुओं दुख एवं दारिद्र का विनाश होता है। मनोवांछित कामनों की पूर्ति एवं मोक्ष की प्राप्ति होती। श्री महिषासुर मर्दिनी स्तोत्र Thank you.
अभी अंतिम दृष्टि से पहले क्षमा प्रार्थना निकाल लीजिएगा। अथ क्षमा प्रार्थना
अपराध सहस्रारी चिरंतन समया सातोऽयमिति नामत्वा क्षमस्व परमेश्वरी आवाहनं न जानामि न जानामि अभी सभी श्रद्धालु भक्तजन तीन बार ओंकार अक्षय का नाद करेंगे, एक साथ उच्च स्वर से, लंबे स्वर से, हृदय से वास निकालते हुए माता जी के चरणों में यह प्रार्थना करते हुए, हे माँ, इन पद्मय स्तोत्रों से यदि कहीं भी कुछ भक्ति का लेश मिले उसी से प्रसन्न हो जाओ, हमारे अपराधों को क्षमा करो एवं मनोकामना को पूर्ण करो, ऐसा मन में माता जी के चरणों में भाव करते हुए आप सभी भक्तजन तीन बार एक साथ ओंकार अक्षय का नाद कीजिएगा। ओंकारं बिन्दुं संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव श्री ओंकाराय नमो नमः। योगी जन बिंदु से संयुक्त इस ओंकार का नित्य प्रति काम एवं मोक्ष की प्राप्ति के लिए ध्यान करते हैं। हमारी सृष्टि का स्वरूप भी ओंकार स्वरूपा ही है तथा इसके आदि एवं अंत में इसी अक्षर का गुणायमान सदैव होता रहता है। ओंकार अक्षर के जाप से, उच्चारण से कई आदि व्याधियों का विनाश भी होता है। हे माँ, इस प्रणव अक्षर ओंकार में अकार, उकार और मकार के रूप में ब्रह्मा, विष्णु एवं महेश के रूप में आपकी नित्य स्थिति है तथा बिंदु स्वरूपा
अर्ध मात्रा जिसका विशेष रूप से उच्चारण नहीं किया जा सकता वह भी आप ही हैं। सचिया जोता वाली माता तेरी सदा ही जय, जयकारा शेरा वाली दा बोल सच्चे दरबार की जय। अभी आप सभी श्रद्धालु भक्तों ने पूर्ण तन्मयता से तल्लीन होकर श्रद्धा पूर्वक एकाग्रचित होकर माता जी के इस दिव्य पाठ का श्रवण किया। जिस श्रद्धा से आप सभी ने इस पाठ का श्रवण किया है, स्वयं पाठ किया है, उसी रूप में जगदम्बा वैष्णो माता प्रसन्न होकर आपकी मनोकामनाओं को पूर्ण करें, ऐसी माता से प्रार्थना है। और जो वर्ष में पूर्ण होती है, वर्ण भक्ति भक्ति में श्रद्धा विश्वास एवं एकाग्रचित्ती हो। दुर्वित्त वित्त श्रवणम तव देवी शीलम रूपम तथेतद् वचिन्त मतुल्य मन्ये वीर्यम चहन्ति हेद्य पराक्रमाणाम बैरिश्वरी परिदेव दयातेथम। देवी, आपका शील दुराचारियों के बुरे बर्ताव को दूर करने वाला है, साथ ही ये रूप ऐसा है जो कभी चिंतन में भी नहीं आ सकता और जिसकी कभी दूसरों से तुलना भी नहीं हो सकती, तथा आपका बल और पराक्रम तो उन दैत्यों का भी नाश करने वाला है जो कभी देवताओं के पराक्रम को ही नष्ट कर चुके थे। इस प्रकार आपने शत्रुओं पर भी अपनी दया ही प्रकट की है। केनोपमा भवतु तेस पराक्रमस्य रूपम च शत्रु भय कार्तिहारी कुत्र चित्ते के वा सव निष्ठुरताज दृष्टा त्वयि एव देवी भरदे भुवन त्रयेऽपि। वरदायिनी देवी, आपके इस पराक्रम की किसके साथ तुलना हो सकती है, तथा शत्रु को भय देने वाला एवं अत्यंत मनोहर ऐसा रूप भी आपके सिवा और कहाँ है। हृदय में कृपा और युद्ध में निष्ठुरता, ये दोनों बातें तीनों लोकों में के भीतर केवल आप में ही देखी गई है। सचिया जोता वाली माता तेरी सदा ही जय, जयकारा शेरा वाली दा बोल सच्चे दरबार की जय। इस जगत में जभी जभी भी केवल हम ही भक्तों पर नहीं, स्वयं देवताओं पर, राजा महाराजाओं पर अथवा अवतारों का पर भी कोई घोर संकट का लान पड़ा है, और उस समय जब किसी विशेष देवता ने उनकी सहायता नहीं की है, तो अंत में उन्होंने इन्हीं अनंत कोटि ब्रह्मांड की शक्ति दुर्गा माता जी की अनन्य शरण ग्रहण की है, और तब माता जी ने उनकी स्तुति द्वारा प्रसन्न होकर के तत्काल दर्शन दे करके उनके सभी प्रकार के कष्टों को सदा के दूर किया है। द्वापर युग में द्वारिकापुरी में सत्ताजित के नाम राजा जो राय थे, और वो भोज वंश में उत्पन्न हुए थे। वो सूर्य भगवान के अनन्य उपासक थे एवं उनके मित्र भी थे, अतः सूर्य भगवान ने प्रसन्न होकर के उनको सावंतक मणि दी थी, और जब वो इसको गले में पहन करके नगर में आ रहे थे तो सुधर्मा नामक सभा में बैठे हुए नागरिकों ने कृष्ण जी को बताया कि महाराज, सूर्य भगवान आपसे मिलने के लिए आ रहे हैं। परंतु कृष्ण ने कहा कि भोले भाले नागरिक को ये सूर्य भगवान नहीं, अपितु उनके द्वारा प्रदत्त श्यावंतक मणि को राजा सत्राजित पहन करके आ रहे हैं। राजा ने इस मणि को आकर के घर में रख दिया और स्वस्ति वाचन पूर्वक इसका पूजन करवाया। जहाँ ये मणि रहती थी वहाँ किसी प्रकार का भूकंप नहीं आता था, महामारी नहीं होती थी, अपितु ये नित्य प्रति 2 किलो वर सोना दिया करती थी। एक दिन सत्ताजित ने इसे अपने भाई छोटे भाई प्रसेन को दिया और इसको गले में पहन करके वन में शिकार के लिए चला गया। वहाँ एक सिंह ने घोड़े समेत प्रसेन का वध कर दिया, मार दिया और मणि छीन ली। इसी मणि को रिक्षा जामवान जी ने सिंह को मार करके छीन लिया और अपनी कंदरा में जाकर के अपने बच्चे को खेलने के लिए दे दिया। उधर नगर में ये कानाफूसी होने लगी कि कृष्ण ने मणि के लोभ में आकर के प्रसेन का वध कर दिया। जब प्रसेन बहुत देर तक ना लौटा तो ऐसी कानाफूसी हुई और कृष्ण जी इस अपजश को मिटाने के लिए नगरवासी को साथ में लेकर के वन में गए। वहां उन्होंने देखा कि प्रसेन मरा पड़ा है, साथ में घोड़ा भी मरा पड़ा है, और रक्त बिंदु का अनुसरण करने पर उन्होंने देखा कि गुफा के द्वार पर सिंह भी मरा पड़ा है। तब उन्होंने नगरवासियों को जो उनके साथ गए थे कहा कि मैं मणि लेने वाले को इस कंधा में ढूंढने के लिए जा रहा हूँ, और जब तक मैं वापस ना आऊँ आप मेरी प्रतीक्षा करना, आप यहीं रुकें। कृष्ण जी अंदर जाते हैं, उन्होंने देखा कि जामवान जी का बच्चा मणि से खेल रहा था। जब उन्होंने मणि को छीनना चाहा तो बच्चा चिल्लाया और उसको देख करके धायमान दौड़ी। स्वयं रिक्षा जामवान जी आ गए और उन्होंने बेगना देखा सुने जो कृष्ण जी के साथ मल्ल युद्ध करना प्रारंभ कर दिया।
27 दिन तक युद्ध होता रहा और जो नगरवासी थे वो केवल 12 दिन तक ही प्रतीक्षा करके जो नगर में वापस आ गए और सारा वृत्तांत उन्होंने वसुदेव जी को बता दिया, जिससे वसुदेव जी चिंतित हुए और मूर्छित हो गए। परिवार सहित उधर देव योग से वहाँ नारद जी पधारे हैं। नारद जी का उन्होंने समुचित रूप से आदर सम्मान किया और उस समय नारद जी पूछा कि महाराज आप चिंतित क्यों हैं? तो वसुदेव ने बताया कि मेरा पुत्र कृष्ण मणि लेने के लिए वन में गया था, परंतु बहुत देर हो गया है, अभी तक वो नहीं लौटा है, इसलिए मैं चिंतित हूँ। इसलिए मुझे कोई ऐसा जप पूजा पाठ दान बताओ जिसके द्वारा जो कृष्ण वापस आ जाए। उस समय नारद जी कह रहे हैं कि इसके लिए आप सभी दुर्गतियों का नाश करने वाली दुर्गा माता जी की आराधना करो और नवरात्र आने पर श्रीमद देवी भागवत कथा का श्रवण भी करो। इसके फलस्वरूप माता जी प्रसन्न होंगी, आपको आशीर्वाद देंगी और कृष्ण वापस आ जाएगा। वसुदेव जी पूछ रहे हैं कि वो देवी कौन है, उनका प्रभाव कैसा है। तो नारद जी बता रहे हैं कि वही अनंत कोटि ब्रह्मांड की शक्ति है जो स्वयं ब्रह्मा विष्णु महेश को शक्ति से संपन्न करके उनसे सृष्टि का सृजन पालन एवं सहार कराती है। तब वसुदेव ने कहा कि महाराज देव योग से आप जहाँ पधारे हुए हैं, इसलिए आप ही अपने मुखारविंद से मुझे श्री देवी भागवत कथा का श्रवण कराओ और मैं विधि पूर्वक जो दुर्गा माता जी पूजा भी करता हूँ। इस प्रकार नवरात्र आने पर जो शुभ समय में जो वसुदेव जी ने श्रीमद देवी भागवत का तो नारद जी ने श्रीमद देवी भागवत कथा का पाठ करना प्रारंभ किया और वसुदेव जी अपने परिवार से श्रवण करने लगे। उस कथा में विघ्न बाधाओं के श्रवणार्थ ब्राह्मणगण निवारण मंत्र का ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाई विच्चे इसका जाप करने लगे और वसुदेव जी विधिपूर्वक कथा का श्रवण करने लगे। 9 दिन तक वो कथा सुनते रहे। उधर श्री कृष्ण जी का जामवान जी के साथ मल्ल युद्ध हो रहा है। कृष्ण जी के मुष्टिका प्रहार से जामवान के अंग शिथिल हो गए और उनको पूर्व समय की घटनाओं का स्मरण होने लगा। वो कहने लगे कि महाराज मुझे क्षमा कीजिए, मुझे स्मरण हो रहा है कि आप मेरे प्रभु राम हैं जिनके कोप से लंका नगरी जो क्षुब्ध हो गई थी, मेरी दृष्टता को क्षमा करिए और मेरे योग्य जो सेवा हो उसे बताइए। उस समय कृष्ण जी कहा कि महाराज हम तो केवल मणि लेने के लिए जहाँ आए थे, उस समय जामवान जी ने मणि नहीं अपनी कन्या जाम्बवंती का विवाह भी कृष्ण जी के साथ कर दिया और कृष्ण जी मणि को धारण करके जाम्बवती को जो पत्नी रूप में अंगीकार करके नगर को वापस आने लगे। उधर कथा का समापन हो रहा है। जो वसुदेव जी ब्राह्मणों को भूरी भूरी दक्षिणा दे रहे हैं, ब्राह्मण आशीर्वाद दे रहे हैं और कृष्ण जी उस समय गले में मणि धारण किए हुए जामवंती को साथ लिए वहां पधारे। तब उनको देख करके सभी नगरवासियों के आनंद के अश्रु बहे। उस समय वसुदेव जी प्रसन्न हुए और नारद जी उनके विदा लेके ब्रह्मलोक को चले गए। जो भक्तजन इस कथा का श्रवण करते हैं उनको किसी भी प्रकार का कलंक लगने की आशंका नहीं रहती। विशेष करके कलंक चतुर्थी को यदि चंद्रमा के दर्शन हो जाए तो इस कथा का स्मरण कर लिया जाए तो किसी प्रकार का कलंक नहीं लगता। आप सभी सौभाग्यशाली एवं पुण्यकर्मी हैं जिनको आज उन्हीं के धाम में माता महाकाली महालक्ष्मी एवं महासरस्वती जी आदिकाल से इस दिव्य गुफा में आपको शक्ति ऐश्वर्य ज्ञान के वरदान से संपन्न कर रही हैं। तीनों महाशक्तियां जड़मूल से एक हैं, उपरा के तीन स्वरूप और उन्हीं के चरणों से गंगा स्नान कराती परिक्रमा करती जा रही है जिसमें आप स्नान करते हैं चनावत ग्रहण करते हैं। ये तीनों महाशक्तियां संपूर्ण विश्व भर में संयुक्त रूप में केवल इसी दिव्य गुफा में विराजमान हैं, अन्यत्र सम्मिलित रूप में इनके दर्शन दुर्लभ हैं। अर्थात जहाँ महाकाली जी हैं वहाँ लक्ष्मी जी हैं बाहर और जहाँ महालक्ष्मी जी हैं वहाँ महासरस्वती जी हैं। इस प्रकार आप देखते हैं कि कलकत्ता में काली घाट में माता काली जी के दर्शन हैं, मुंबा देवी में लक्ष्मी माता जी हैं और मैयर में सरस्वती माता जी हैं, परंतु जहाँ तीनों महाशक्तियाँ संयुक्त रूप में एक साथ शक्ति ऐश्वर्य तथा ज्ञान की अधिष्ठाती देवी आपको तीनों शक्तियों से संपन्न कर रही हैं। इन्हीं के साथ बाएं हाथ पहाड़ी पार गणपति महाराज सूरज चंद्रमा बटुक तथा प्रहलाद जी और साथ में महाराज जी का वरद हस्त भक्तों को प्रत्येक क्षण आशीर्वाद प्रदान कर रहा है। जिस प्रकार आप चतुर्भुज रूप में देखते हैं माता जी का एक हाथ सदैव आशीर्वाद के लिए तत्पर रहता है, इसी प्रकार जहाँ पर माता जी का वरद हस्त विराजमान है और सामने शंकर भगवान जी शिव रूप में विराजमान, जहाँ शक्ति है वहाँ शिव रहते हैं और जहाँ शिव है वहाँ शक्ति विराजमान सदैव रहती है,
परंतु शिव भी इन शक्ति बिना अधूरे हैं, क्योंकि शिव में जो इकार है यही शक्ति स्वरूपा कुंडलनी है। यदि हम इस इकार को निकाल देते हैं तो शिव भी स्वयं शव रह जाते हैं। अर्थात केवल हम ही भक्ति नहीं, देवता ही इन शक्ति के बिना अधूरे हैं। और इन्हीं तीनों महाशक्तियों का निवारण मंत्र, बीज मंत्र ओम ऐम ह्रीम क्लीम चामुंडाई विच्चे कलि काल में भक्तों का विशेष उद्धार करने वाला है, जिसमें ऐं के चरण से आपको विद्या की प्राप्ति होती है। जो बच्चे विद्या में निर्बल हैं, केवल ऐं ऐं अक्षर का उच्चारण करने मात्र से ही विद्या में निपुण हो सकते हैं। इसी ऐं को ओम द्वारा संपूर्ण करके ओम ऐं ओम, अर्थात ऐं के आगे भी ओम और पीछे भी ओम लगा करके ओम ऐं ओम, इसका जाप करने से विद्यार्थी को विद्या की प्राप्ति होती है। और आप जानते हैं कि बीरबल जी महाराज इसी मंत्र का जाप किया करते थे और इसी के बल पर वो महाबुद्धि संपन्न थे और अकुर के दरबार में उनको दूसरा स्थान प्राप्त हुआ था। ह्रीम के चरण से आपको दूध पुत्र धन ऐश्वर्य सुख संपत्ति नेक कमाई हर प्रकार की मनोकामना घर गृहस्थी देश विदेश में स्वाभिमान प्राप्त होता है। और क्लीम के चरण से आपको शक्ति प्राप्त होती है, आपके शत्रुओं तथा रोगों का नाश होता है। चामुंडा माता जी का नाम एवं बिच्छे के रूप में आप हमें अभय प्रदान करती हैं। आइए इसी निवारण मंत्र का उच्चारण माता जी चरणों बैठे हुए हम सभी भक्तजन 3 बार करें। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे 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 सचियां ज्योतां वाली माता तेरी सदा ही जय। जयकारा शेरां वाली दा ढोल सच्चे दरबार की जय। घर में भी नित्य प्रति स्नानोपरांत शुद्ध वस्त्र धारण करके आप इसका कम से कम 1 माला जाप अवश्य करें, जिससे तीनों शक्तियां आपको स्वतः प्राप्त हों और आपकी गृहस्थी ठीक प्रकार से चले। क्योंकि इनमें से एक की भी कमी होने से हमारी गृहस्थी ठीक प्रकार से नहीं चल पाती। केवल हमारे पास धन ही है, बुद्धि नहीं है, तो हम विद्या के बिना जान नहीं पाएंगे कि धन को कैसे कमाना है, कैसे खर्च करना है, अर्थात करोड़ों की फिजूल खर्ची होगी। और केवल विद्या ही है, धन नहीं है, तो पांडित्य नहीं शोभते तो या बिना लक्ष्मी, पंडिताय भी लक्ष्मी बिना शोभा नहीं देती। भले ही पुरुष कितना विद्वान हो, जैसी उसका भी वेशभूषा अच्छा नहीं है, उसका भी आदर सम्मान नहीं होता। और शक्ति बिना दोनों वस्तु का मिलना दुर्लभ है। अतः ये तीनों शक्ति हमें स्वतः प्राप्त हों, हमें कलिकाल में विशेष उद्धार करने वाले इस निवारण मंत्र का जाप उच्चारण अवश्य करना चाहिए। दुर्गा वैष्णो माता आप आए हुए सभी भक्तों की मनोकामनाएं तो अपने मन में संजोए माता के प्रति लाए हैं सभी पूर्ण करें। माता जी का वरद हस्त सदैव आपके शीश पर रखा रहे और आप उत्तर उत्तर उन्नति के मार्ग पर अग्रसर होते रहे। सचिया ज्योता वाली माता तेरी सदा ही जय। जयकारा शेरा वाली दा बोल सच्चे दरबार की जय। अभी भजन की बेला है, सभी भक्तियां उच्च स्वर से बोलते हुए ताली बजाते हुए माता भेंटों में योगदान देंगे। सर्वप्रथम निवेदन है श्री मणिंदर जी से, अपनी मधुर भेंट प्रस्तुत कर रहे हैं श्री मणिंदर। जयकारा शेरावाली चूड़ी झुमका हार है प्यारा क्या कहना चूड़ी झुमका हार है प्यारा क्या कहना
कर रहे हैं श्री सुरेश जय करा शेरावली मैया जी का बोल सच्चे दरबार की जय। ये तो बता दो माँ शेरावली, ये तो बता दो माँ अंबे रानी,
मैं कैसे तुम्हारी लगन छोड़ दूंगा, लगन छोड़ दूंगा। ये तो बता दो माँ शेरों वाली, ये तो बता दो माया मेरानी, मैं कैसे तुम्हारी लगन छोड़ दूंगा, लगन छोड़ दूंगा। ये तो बता दो माँ शेरों वाली, ये तो बता दो क्षमस्व परमेश्वरी। किए हैं गुनाह मैंने कितने हैं मैया, कहीं ये जमीन आत्मा पट न जाए। किए हैं गुनाह मैंने कितने हैं मैया, कहीं ये जमीन आत्मा पट न जाए। जब तक मायम्बे क्षमा न करोगी, जब तक मायम्बे क्षमा न करोगी, मैं कैसे तुम्हारे चरण छोड़ दूंगा, चरण छोड़ दूंगा। जब तक मायम्बे क्षमा न करोगी, जब तक मन्ना भगत तेरी
ठोकर खा चुका हूँ मैं दरअसल तमन्ना फकत तेरे दीदार की है बहुत ठोकर जब तक माया मुंडे दर्शन न दोगी जब तक माया मुंडे दर्शन न दोगी मैं कैसे तुम्हारा भजन छोड़ दूंगा भजन छोड़ दूंगा जब तक मुझसे पतित को अधम को न तारा मुझसे पतित को अधम को न तारा कोई खुजली सी करते कम तोड़ दूंगा कम तोड़ दूंगा मुझसे पतित और अधम को न तारा लगन छोड़ दूंगा
करा शिरमणि निवेदित बोल सच्चे दरबार की जय। एक गीत प्रस्तुत कर रहे हैं श्री जयपाल जी। जयकारा शेरावाली दास बोल सच्चे दरबार की जय। मैया जी मेरा जी करदा, 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 तेरे दर दी खाक हो जावा, तेरे दर दी खाक हो जावा, ना चरनी लग के पाक हो जावा, मैया जी मेरा जी करदा, 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 आहा मैया जी मेरा जी करदा, 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 तेरे दर दी खाक हो जावा, तेरे दर दी खाक हो जावा, मैं चरणी चरणी लग के पास हो जावा, मैया
जय जगदम्बिके।
के जय जय जग जननी जग रामी के जय जय जग जननी Thank you.
साचे दरबार की। तातर नमामि महिषासुर चंड मुंड शुंभासुर प्रमुख दैत विनाश दक्ष ब्रह्मेन्द्र रुद्र मुनि मोहन शील लीला चंडी समस्त सुर मुक्ति मने कुरूपा सचिया जोता वाली माता तेरे सदा ही जय करा शेर वाली दा बोल सच्चे दरबार की जय। आज भिक्खुवादी शुभ संबत 2075 दक्षिणायन उत्तर गोल वर्षा ऋतु श्रावण मास की आज 17 प्रविष्ट है। श्रावण कृष्ण पक्ष की आज चतुर्थी तिथि है। चतुर्थी आज प्रातः 10:30 तक है। बुधवार तदनुसार 1 अगस्त सन 2018 के दिन दुर्गा माता जी की असीम अनुकंपा द्वारा आप सभी श्रद्धालु भक्तों को माता जी के तपोवन के दिव्यांग में बैठ करके सत्संग करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। अतः आप सभी सौभाग्यशाली एवं पुण्यकर्मी हैं। आप सभी का माता जी के दिव्यांगन में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन तथा वैष्णो माता दरबार की ओर से आपके साथ विश्व के सभी मातृभक्तों को भूरी भूरी आशीर्वाद। आयुष्मान भव सौभाग्यवान भव श्रीमान यशस्वी भव प्रज्ञावान भव भूरि भूति करणे दाने कनिष्ठो भव तेजस्वी भव बैरी दर्भ दलने व्यापार दक्षो भव श्री शंभुर भव पाद पूर्णता सर्वोपकारी भव मंत्रार्था सफला संतु पूर्णा संतु मनोरथा शत्रुनाम बुद्धिनाशोस्तु मित्राणाम उदयस्तव श्री वर्चस्व आयुष्यमारोग्य माभिदा शुभमानं महीयते धनं धान्यं पशुं ज्ञान लाभं चत्सवत्सरं दीर्घमायुः अस्तु दीर्घमायुः। आपकी दीर्घायु हो, आपका आरोग्यता प्राप्त हो, आप धन धन से संपन्न हो। जिन मंत्रों का आपने श्रवण किया वे सभी सफल एवं सार्थक फल देने वाले हों। आप सदैव धर्मानुकूल कर्म करते हुए उन्नति के मार्ग पर अग्रसर हों। सच्चिया जोता वाली माता तेरे सदा ही जय। अभी सभी भक्तियान उच्च स्वर से बोलते हुए ताली बजाते माता जी की आरती बोलेंगे। सामने दीवार पर आरती लिखी हुई है, आपकी पुस्तिका के अंत की आरती है, सभी बोलिएगा। ओम जय अम्बे गौरी मैया जय श्यामा गौरी मैया जय मंगल गौरी मैया जय आनंद गौरी ओम रवि लोचन नैना ओम रवि लोचन
नृत्य करत भैरो मैया नृत्य करत बाजत काल मृदंगा बाजत काल मृदंगा बाजत ओम जय तुम ही जगती माता तुम ही हो भक्तन की दुख हरता भगतन की दुख हरता सुख संपत्ति करता ओम जय अम्बे गौरी गुणाचार अति शोभित कर मूर्छाधारी मैया भर फल पावत मानवाचित फल पावत देवत नर नारी ओम जय अम्बे कंचन काल विराज अगर कपूर बासी भैया अगर कपूर बासी अभी परम पूजनीय श्री पुजारी महाराज माता जी पूजा करके गुफा द्वार पर पधार चुके हैं। इस पवित्र गुफा का अखंड ज्योति का पूजन करेंगे। तत्पश्चात माता जी आरती होगी। आरती आप सभी भक्तों के बीच में आएगी। सभी भक्त बैठे बैठे शांति पूर्वक आरती वंदना करना। प्रेम से बोलो की। अभी सभी भक्तियां दोनों हाथ जोड़ करके माता जी के चरणों में प्रार्थना करेंगे।
ओम देहि सौभाग्यम आरोग्यम ओम देहि सौभाग्यम आरोग्यम देहि मे परमं सुखम देहि मे परमं सुखम रूपं देहि जयं देहि रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो रहि यशो देहि दिशो रहि सर्वमंगल मंगल्ये सर्वमंगल मंगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शिवे सर्वार्थ साधिके त्र्यम्बके गौरी शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते नारायणी नमोस्तुते शरणागत दीनार्थ शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे परित्राण परायणे सर्वस्यार्ति हरे देवी सर्वस्यार्ति हरे देवी नारायणी नमोस्तुते नारायणी नमोस्तुते सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते सर्वशक्ति समन्विते भयवस्त्राहिनो देवी भयवस्त्राहिनो देवी दुर्गे देवी नमोस्तुते दुर्गे देवी नमोस्तुते सर्वाबाधा प्रशमनम् सर्वाबाधा प्रशमनम् त्रैलोक्यस्याखिलेश्वरी त्रैलोक्यस्याखिलेश्वरी एवमेव त्वया कार्यम् एवमेव अस्मद्वैरी विनाशन अस्मद्वैरी विनाशन सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् ॐ शान्तिः ॐ शान्तिः ॐ शान्तिः ॐ शान्तिः ॐ शान्तिः ॐ शान्तिः अभी परम पूजनीय श्री पुजारी महाराज आरती प्रारंभ करते हैं सभी भक्त जहाँ बैठे बैठे शांति पूर्वक आरती अक्रम देखिएगा जय माता दी
नारायण नमस्ते शरणागत
ਸਵਾਏ ਨੋ ਦੇਵੀ ਬੁੱਢੇ ਦੇਵੀ ਨਮਸਤੇ ਅਜਮ ਆਰੋਖਿਅਮ ਦੇਹੀ ਨੇਤਰਮ ਸੁਨ ਰੂਪਮ ਦੇਹੀ ਨੈਨ ਦੇਹੀ ਦੇਵੀ ਕਲਿਆਣ ਦੇਹੀ ਨੇਤਰਮ ਸੁਨ ਰੂਪਮ ਦੇਹੀ ਨੈਨ ਦੇਹੀ ਯਸ਼ੋ ਦੇਹੀ ਈਸ਼ੋ ਦੇਹੀ ਪਗੜੋ ਜਨਤੀ ਮੰਗਲਾਕਾਰੀ ਪ੍ਰਤਿਕਾਲੀ ਕਾਲੀ ਵਿਰਾ ਸਮਾ ਸਮਾਦਾਤੀ ਬਖਰੇ ਓਮ ਜਾਨੀ ਕਾਲੀ ਬਾਣੀ ਕਰਮਾਂ ਜਿਦਾਨੀ ਤੇ ਕਾਲੀ ਕਰਵਾਰ ਮਨਸ਼ਾ ਦੀ ਬਸਾਨ ਬਰ ਮੰਗਲ ਮੰਗਲ ਲੈ ਕੇ ਸੁਨਿਆ ਕੰਮ ਦੇ ਗੋਰੀ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਜੀ ਨਾਲ ਨਮਸਤੇ 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 ਨਮਸਤੇ